प्रधानमंत्री जी धमकी भरे शब्दों में जो बात कह रहे वो उचित नहीं कही जा सकती है। हम छेड़ते नहीं है, छेड़ते उसको छोड़ते नहीं है, हम घुस के घर में घुस के मारेंगे, ये बातें जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ मानता हूँ मैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए देश की आजादी के बाद में जो इस प्रकार की भाषा काम ले रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अरे दुश्मन को मारो, कौन मना करता है आपको? दुश्मन को तो आज तक मार नहीं पाया आप, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो कांग्रेस ने कहा ही नहीं है वो खुद ही मन गढ़ंत बात उठा करके उसे जवाब देते हैं। कांग्रेस चिल्ला रही थी, पाकिस्तान के पास में एटम बम है, चिल्ला रही थी। अरे कमाल, कब तो चिल्ला रही थी, क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने एटम बम पहले हिंदुस्तान ने विस्फोट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने किया था, तो कांग्रेस कब चिल्ला रही थी? जब मैंने पहले भी कहा, मोदी जी और मेरी उम्र बराबर है, करीब करीब 4-5 साल के हम लोग थे, तो पहली बार परमाणु संस्थान बना पंडित नेहरू के जमाने के अंदर 67 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, 74 में इंदिरा गांधी जी ने पहली बार पोखरण के अंदर भूमिगत विस्फोट किया परमाणु बम का, और उसके बाद में वाजपेयी के वक्त में विस्फोट हुआ और सेकेंड डे पाकिस्तान ने कर दिया। ये तो कहानी है, या तो पूरी बात असली बताओ जनता को, एजुकेट करो, हमें खुशी होगी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही करते थे, जो पूरी जनता को वो बातें बताते थे साइंस की, विज्ञान की, तकनीकी की, और उनके दिल में बात थी कि मैं जो बात बोलूंगा आज नहीं तो कल जनता समझेगी, जनता को एजुकेट करना मेरा धर्म बनता है। या तो मोदी जी मन की बात थोपने की बजाय आप जनता को एजुकेट करो, पर वो तब होगा तब आप सच्चाई को साथ रखोगे। अगर आप असत्य बोलोगे, आप बनावटी बातें करोगे, जनता को गुमराह करने के लिए जुमले बोलोगे, झूठे वादे करोगे, तो जनता का एतबार नहीं रहेगा। आज पूरी गवर्नमेंट का इकबाल खत्म कर दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, दो लोग राज कर रहे देश के अंदर, दो ही चेहरे सामने हैं, और प्रधानमंत्री जी के मुंह से अच्छे वर्ड निकलना हम छोड़ते नहीं, किसको नहीं छोड़ते। लोकतंत्र में आपको आलोचना सहन करनी पड़ेगी, आम आदमी भी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की आलोचना कर सकता है। इस जमाने में अगर प्रधानमंत्री कोई आलोचना कर दे वो राष्ट्रद्रोही कहलाता है, मुकदमे दायर हो रहे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। कि लोकतंत्र में जी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें लोकतंत्र में जिंदे रहने दो, देशवासियों को कृपा करके। हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुआ था, 70 साल के बावजूद भी यहाँ पर आज लोकतंत्र कायम है, ये हमारा सौभाग्य है कि कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस सिद्धांत जो गांधी जी के वक्त के थे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने के हैं, और साथ में अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, वो 70 साल में कायम है। पाकिस्तान के अंदर बार बार सैनिकों का शासन, फौजों का, प्रधानमंत्री जेल में जा रहे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी लगा दी उन्होंने, वहाँ बार बार ये सैनिकों के शासन हो गए, यहाँ पे नहीं हुआ है। फिर भी मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, और देश को, लोकतंत्र को जिंदा रखा है, तब आप प्रधानमंत्री बने हो। उस पर भी कांग्रेस की नीतियों का, सिद्धांतों का, कार्यक्रमों का जो ढांचा खड़ा रहा, लोकतंत्र जिंदा रहा, अनेकता में एकता वाले मुल्क में सबको साथ लेके चले, देश एक व अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, 93,000 लोगों को हथियारों सहित सरेंडर करवा दिया, और कर्नल जनरल मेजर सब थे उसके अंदर, सैनिक थे, 93,000 नियाजी के नेतृत्व में थे वो लोग पाकिस्तान के, क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। और उसके बाद में हमें सुनना पड़ता है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसको जुमलाबाजी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ये भी जुमलाबाजी है। जैसे वाजपेयी जी के वक्त में इंडिया साइनिंग फील गुड हुआ था और सरकार चली गई थी उनकी, मोदी जी की सरकार भी जाने वाली है, ये उनकी विदाई यात्रा हो रही है देश के अंदर,
जैसे पहले वसुंधरा जी की वजह, जब भी मैंने कहा था वसुंधरा जी की ये संकल्प विजय यात्रा नहीं है, ये विजय यात्रा है। अब मोदी जी की विजय यात्रा निकल रही है, देश देख रहा है, उनको घमंड है, अहम है। ये नहीं बोलना चाहिए उनको, पिछली बार जब आपका मोदी 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 नारे लगा रहे थे तब भी आपको 100 में से खाली 31 वोट मिले थे, 69 वोट खिलाफ पड़े थे आपके, ये नहीं बोलना चाहिए थे। अगर वो उनके दिल में बात होती, सबको साथ लेके चलते, तो आज उनकी ये स्थिति नहीं बनती। कारण वो झूठ का सहारा लेना पड़े, राष्ट्रवाद की सहारा लेना पड़े, सेना का सहारा लेना पड़े। सेना को सबको, सेना पे सबको गर्व है। 62 की बार हुई, 65 की बार हुई, 71 की बार हुई, कारगिल हुआ, पूरे देश को गर्व रहा कि हमारी सेनाओं ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को भी दिया है। कोई नई बात नहीं है। आप उसका लाभ राजनीतिक तौर उठाना चाहते हो। आप योगी जी महाराज कहते हैं, मुख्यमंत्री यूपी के, कि ये मोदी सेना है, कृपा करके आप बख्शो। सेना देश की रक्षा कर रही है, कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। शासन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, शासन चल रहा है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों का कभी हस्तक्षेप नहीं रहा यहाँ पर। योगी जी क्या चाहते हैं, क्या करके, ये क्या उनको रोका गया मोदी जी द्वारा? आप योगी जी क्या बोल रहे हो, ये काय की मेरी सेना है? देश की सेना है, देश की सेना है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे BSF, और देशवासियों उन पर गर्व है। ये आज तक 70 साल में हमारे कायम रहा है। मुझे बहुत दुख है कहते हुए कि मोदी जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, भाषा काम ले रहे हैं, उनके पास मुद्दा आधारित राजनीति करने का कोई, उनके पास में कोई सामान बचा हुआ नहीं है। 5 साल की उपलब्धि क्या बताए, वो खुद सोच में पड़ गए हैं। उनका मैनिफेस्टो सिफर साबित हुआ है, 0 है, कोई चर्चा ही नहीं उसकी। क्योंकि क्यों करे कर्ज माफी को लेके, अब बताइए कौन उनको फीडबैक दे रहा है? कर्जा माफ पूरा हो चुका है कोऑपरेटिव बैंकों का, भूमि विकास बैंक का पूरा कर्जा। बीजेपी ने 50,000 तक का कर्जा माफ किया था, उस पर 6,000 करोड़ रुपए, खाली 2,000 करोड़ बाकी बांटे, 6,000 बाकी रख के वो भी हमने बांटे, पूरा कर्जा माफ हो गया। नेशनलाइज बैंक में आती है, मोदी जी के अंडर में आती है। अगर मोदी जी चाहते, इतनी चिंता होती राजस्थान की, तो वो खुद आगे बढ़ के बैंकों को इंस्ट्रक्शन देते कि एक बार वादा कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, आप आगे बढ़ो, बातचीत करो और जल्दी फैसला करो। उन्होंने फैसला नहीं होने दिया, बातचीत चल रही उनसे। जैसी बातचीत, चुनाव खत्म होंगे और जो हमने वादा किया 2 लाख तक कर दे जिनके NPA हो गए, वो माफ करेंगे, हम आज भी कहते हैं। मोदी जी जब 2,000 किस्तें दे रहे थे तो कहते मेरे पास आंकड़े नहीं भेज रहे। कौन गवर्नमेंट ऐसी होगी जो कि जनता की जेब में पैसा जा रहा है और सरकार रोकना चाहेगी? आंकड़े जाते हैं, आधार कार्ड बना हुआ है, फॉर्मेलिटी होकर जाते हैं, कौन रोक रहा है उनको? पर मोदी जी की जो स्टाइल है, मैं देख रहा हूँ जब से सरकार बनी है, सॉइल टेस्टिंग का सबसे पहले हिंदुस्तान में मेरी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, राजस्थान के अंदर सॉइल टेस्टिंग का काम। और मोदी जी आए, उनकी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया देश देश भर के लिए सॉइल टेस्टिंग का, तो लॉन्चिंग कहाँ से किया? सूरतगढ़ से किया, राजस्थान की तरफ से। तब भी मैंने कहा था मोदी जी कहाँ पधार रहे हो, या तो ऑलरेडी हम लोग 4 साल इस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इतना बड़ा फर्क है राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में, उनके कमेंट्स हम सुन सुन करके, कोई नई बात नहीं है। जब गुजरात में इंचार्ज था तब भी मुझसे बड़ा प्रेम है मोदी जी को, तब भी मेरा नाम ले लेके कहते थे कि राजस्थान की सरकार ने हमें सिंचाई के लिए पानी आने रोका, गुजरात वालों ने अन्याय किया, अशोक गहलोत ने, नाम लेके मेरे को आरोप लगाए थे, गुजरात के अंदर भी लगाए थे। नई बात नहीं है, मेरे प्रति बहुत प्यार लगता है, प्रेम लगता है, इसलिए मेरे को याद करते रहते हैं। पर मैं कहूँगा मोदी जी बहुत हो चुका है, आपने 5 साल में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया है। और जो राहुल गांधी जी जवाब पूछे, सवाल पूछे उनको, ये डेमोक्रेसी है, विपक्ष पूछता जवाब देना चाहिए था उनको। रफेल का आज तक क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? 526 करोड़ का प्लेन सरकार बदलते 1,660 करोड़ कैसे हो सकता है? एक चीज का जवाब दे दें मुझे। अरे 2 लाख की सड़क भी होती है, टेंडर करना पड़ता है। तो टेंडर किया है यूपी गवर्नमेंट ने किया, और उसके बाद में सरकार बदल गई, टेंडर में 2 कंपनी आई, रफेल विमान बहुत शानदार विमान है, उसका चयन हुआ, कीमत थी 526। सरकार बदली, मोदी जी फ्रांस गए, अचानक ही 1,660 करोड़ रुपये सौदा हो गया। या तो पहले वाला टेंडर कैंसिल होता, नया टेंडर होता,
कारण होता, कुछ शर्तें होती, अलग बात थी। कोई जवाब आज तक नहीं आ रहा है, देश को गुमराह कर रहे लोग। आपकी सरकार में 2 साल में ही जितना पिछले 2 साल में अपराध जो थे बढ़े, अपराधियों को पकड़ा गया, उतना 2 महीने में अपराधियों को पकड़ दिया है आपकी सरकार ने। नए आंकड़े आए हैं, कितने अपराधियों की पकड़ दी है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट तो गुड गवर्नेंस के रूप में काम करेगी, कर रही है, आगे भी करेगी। हमने वादा यही किया जनता से, हमने वसुंधरा इतने कुशासन नहीं दिया, इतना भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी। और अब तो सरकार की 3 महीने हुए अभी तक, तो जो हमारे 21 फैसले हैं वो भी एक ऐतिहासिक फैसले हैं, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए होंगे जो मैंने किए हैं। इसलिए मोदी जी के बाहर कहने कुछ है नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए आज जब उदयपुर में मीटिंग हो रही थी तो आधा पंडाल खाली क्यों हो गया, इसका जवाब मोदी जी दे। वो कहाँ गया माहौल, मोदी 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 बोलते चिल्ला रहे थे लोग, वो कहाँ गए? नई पीढ़ी को गुमराह करने का षड्यंत्र है इनके पास में, बड़ी टीमें लगी हुई है, बहुत निम्न स्तर के कमेंट करते हैं, नई पीढ़ी को गुमराह करते हैं। और मेरा मानना है जो व्यक्ति इतिहास को असत्य बोल के तोड़ेगा मरोड़ेगा, वो खुद कभी इतिहास नहीं बना पाएगा, मेरा मानना है। ये देश आज ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव मानता हूँ मैं, संविधान को बचाने का चुनाव है ये, और देश को बचाने का चुनाव है। इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर, फासिस्ट लोग हैं और देश समझ चुका है चालों को, और जवाब देगा चुनाव के। मोदी जी दोबारा आएंगे तो चुनाव नहीं होगी क्या? चाइना की तरह राष्ट्रपति प्रणाली लगाई नहीं संविधान में? 100-100 मैंने कहा मोदी जीत गए तो पता नहीं चाइना की तरह, पता नहीं चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे, और होंगे तो ऐसे होंगे जो होंगे ही नहीं।